शिरक फिल इबादत या शिरक फिल हकूक अल्लाह के हकूक के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो वह क्या है इबादत वमा ममा खल जन्ना वाले याबूदूल मैंने जिन्नों और इंसानों को पैदा ही इसलिए किया कि मेरी इबादत करें अब इबादत में शिरक अगर होगा तो ये शिरक की तीसरी किस्म हो जाएगी इबादत में शिरक से मुराद क्या है इसको समझिए ये मैं पहले बयान कर चुका हूं इबादत किसे कहते हैं इबादत के दो जुज समझ लीजिए जैसे एक मेरा यह जिस्म है एक इसमें रूह है रूह रू नजर नहीं आती नजर जिस्म आता है लेकिन इस जिस्म का सारा वजूद उस रूह से है चलिए रूह को छोड़े जान जान क्या आप किस बला का नाम है किसी को नजर आई आज तक लेकिन यह जान ही है जो इस जिस्म को कायम रखे हुए इसी तरह इबादत का एक जिस्म है एक जान है जिसम क्या है इतात अल्लाह की बंदगी हमा तन बंदगी हम वजूह बंदगी हम वक्त बंदगी ये तो बयान कर चुका है और रूह क्या है मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत इतात जबर से की जाती है तो वो इबादत नहीं कहलाती अंग्रेज की इतात हम करते थे ना लेकिन क्या इबादत करते थे बात समझ में आई इतात तो कर रहे थे इबादत नहीं इबादत उस इतात को कहते हैं जो किसी हस्ती की मोहब्बत से सरशार होकर हम वक्त हम तन हम वजू की जाए तो जसद जाहिरी क्या है इबादत का इतात और रूह क्या है मोहब्बत अब इन दोनों के एतबार से शिरक क्या है तोहहीद क्या है इसको समझ लीजिए और ये है वो चीजें जो मैंने अर्ज किया था कि बिल्कुल अलजबरा के फार्मूलों की तरह की बात है इतात में तोहहीद क्या है मुतलक सिर्फ़ अल्लाह, ठीक बाकी सारी इतातें अल्लाह की इतात के ताबे नफी नहीं है वालदे की इतात करो लेकिन जहां हुक्म दे अल्लाह के हुक्म के खिलाफ बात खत्म इतात नहीं होगी बीबी शोहर की इतात करे आप की इतात करे दुस्ताद की इतात करे मुरीद पीर की इतात करे लेकिन क्या पीर को यह भी हक है कि अल्लाह के किसी हुक्म को मनसूख कर दे रसूल के किसी हुक्म पर अपने हुक्म को वर करे बाला तर रखे समझ में आ गया उसूल क्या है कि इताते मुतलक अनकंडीशनल अनलिमिटेड ओबीडियंस इज ड्यू ओनली टू अल्लाह ऑल अदर ओबीडियंसेस आर लिमिटेड बाय हिज इंजेंशन इसको हुजूर ने कैसे बयान किया मखलूक इन फी खालिक, मखलूक में से किसी की इतात नहीं होगी जिसमें खालिक की मासियत लाजिम आ रही है जहां अल्लाह का कोई हुक्म नहीं है आप मेरा हुक्म मान लीजिए यह शिरक नहीं होगा जहां अल्लाह का हुक्म है उसके खिलाफ मैं हुक्म दू और आप मान ले तो यह शर्क हो जाए, बात समझ में आ गई कि नहीं आप इसको अप्लाई कीजिए एप्लीकेशन बिल्कुल इंडिविजुअल लेवल पर कीजिए पहले अल्लाह का हुक्म क्या है फजर का वक्त हो गया नमाज पढ़ो नफ्स का हुक्म क्या है सो so, आपने इतात की नफ्स की आपका मुता कौन हुआ नफ्स और अल्लाह की मासीत में हुआ कि उसके हुक्म के ताबे हुआ तो आपका नफ्स क्या बन गया आपका जुदा मबूद या गलती है इसमें कोई इस शिरक को पहचानिए जरा कौन बचेगा आप बात समझ रहे अगर तो वो फार्मूला सही है तो फिर ये अप्लाई हो गया अब आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए या ये सोचिए कि फार्मूले में गलत ही रेफर बैक आइए दोबारा देखिए फार्मूला सही है लाता मखलूक मेरा नफ्स मखलूक है कि खालिक है मखलूक मैंने अपने नफ्स की इता की अपने खालिक की बासियत में तो मेरा मुता कौन हुआ नफ्स जो मुता है वही माबूद है मेरा माबूद कौन हुआ नफ्स इसको कहते हैं मौलाना रूम नफ्स से मां हम कम तरस फिरौन नीस्त लेकिन उरा ओन इरा ओन नीस्त मेरा नफ्स भी फिरौन से कम नहीं है फिरौन ने क्या कहा था कि यह ममलकत मेरी है मिस्र की यहां मेरा कानून चलेगा अलहसलीम को मिस्र क्या मिस्र की हुकूमत मेरी नहीं है मैं नहीं जानता कौन अल्लाह कौन रसूल क्या हुक्म सही क्या गलत मेरा हुक्म चलेगा तो मेरा नफ्स भी तो यही कहता मैं नहीं जानता क्या अल्लाह का हुक्म क्या रसूल का हुक्म मेरी मर्जी पूरी करनी पड़ेगी मेरी ख्वाहिश मेरी चाहत मेरी तमन्ना वो पूरी करनी पड़ेगी और हम हाथ जोड़कर उसके आगे खड़े हो जाएं कि भाई ठीक है जो तेरी मर्जी अल्लाह की मर्जी पीछे तेरी मर्जी पहले तो मामूद कौन हुआ नफ से मा हम कम तरस फिर लेकिन ठीक कुरान से सनत चाहिए कुरान ने फरमाया मनी तखजा इलाह क्या तुमने देखा उस शख्स को जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना इलाह बना रखा है इलाह का लफ्ज वो है जो आपके कल तैयबा में है कह रहा है ला इला और तस्वीर पढ़ रहा है ला इला और जब फारिग होता है तो नफ्स को फौरन ममूद बना लेता है आ रहा है मनी तलाहू हवा हो क्या तुमने देखा उस शख्स को जिसने बना लिया अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना बाबू अच्छा इसी को मैं अब टॉप पर ले जा रहा हूं दरमियान में फिल इन दीप्ल साफ कर लीजिएगा ये मैंने कहा था इंडिविजुअल में अब आइए कलेक्टिव लाइफ जो है कौमी जिंदगी उसमें सबसे ऊंची चीज क्या होती है किसी भी रियासत का दस्तूर दस्तूर में क्या बात तय होती है अवलीन की हाकमियत किसकी है ठीक अगर आपने कहा जमहूर की हाकमियत है किसी ने कहा फला खानदान की हाकमीयत है क्या हुआ ये हुआ कि नहीं घबरा क्यों रहे हैं? पगड़े नहीं जाएंगे बात तो सही कहिए? कुरान क्या कहता क्या है इनल हुक्म इल्ला लिल्लाह कुरान क्या कहता है कि नहीं ये नहीं है कि तुम्हारा कोई इख्तियार नहीं तुम्हारा इख्तियार है तुम कानून साजी कर सकते हो बट विद इन द लिमिट्स ऑफ द इंजंक्शन ऑफ द कुरान एंड दिस अगर तुमने हाकमियत मुतलका का दावा किया जो चाहूं हुक्म दूं जो चाहे हम कानून बनाएं तो ये हाकमियत मुतलका है और यही इस दौर का सबसे बड़ा शिरक है कबर परस्ती का शिरक सबको मालूम ये शिरक नहीं मालूम जमहूरियत इन इस एसेंस इस दुनिया का सबसे बड़ा शिरक है इस दौर का ह्यूमन सॉवरेंटी इन एनी फॉर्म इंडिविजुअल है तो शिरक अगर वो पॉपुलर सॉवरेंटी है तो शिरक कोई फर्क नहीं वाकई होता इकबाल ने ऐसी बातें जो कही हैं वो असल में इस दौर के शिरकों को पहचाना इकबाल ने इसलिए इस दौर के फलसफों को उलमा ने पढ़ा नहीं वो सतही तौर पर जो अल्फाज हैं उनसे कुछ बात समझ लेते हैं गहराई में उतर कर फलसफा क्या है हाकमियत किसे कहते हैं जमहूरियत किसे कहते हैं जमहूरियत इस पॉपुलर सॉवराइटी नो लिमिट्स जो भी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है अवाम के नुमाइंदे जो कानून चाहे बनाए वो हम जिनसी को जायज करना चाहे तैयार है दो मर्दों को मियां बीवी की हैसियत से लाइसेंस दे रहने के लिए लीगल लाइसेंस जायज है कानून उनका मर्जी है जो चाहे बनाए दे डोंट एक्सेप्ट एनी लिमिटेशन टू देयर लेजिस्लेटिव अथॉरिटी वी आर सॉवरन क्या मतलब हम जो चाय कानून बनाए यही तो शिर क्या कहा इकबाल ने हमने खुद शाही को पहनाया है जमहूरी लिबास जब जरा आदम हुआ है खुद शिनासो खुद निगर इबलीस का एक चेला कहता है क्यों घबराते हो तो जमहूरीत जमहूरियत से वो ही बादशाही है हमने उसको जमहूरी लिबास पहना दिया है पहले एक आदमी बादशाह होता था एक होता था फिरा अब सारी कौम फिर है फिर ऑन कहता था ना कि मैं जो चाहूं कानून बनाऊ आई हैं फर्क क्या हो गया मैंने कहा था ना कि दो टन गंदगी थी, वो एक-एक सर पे रखी हुई थी आपने माशा माशा सबको बांट दी तो गंदगी तो गंदगी रहेगी शिर तो शिरक रहेगा कोई फर्क नहीं नौत के एतबार से हां बादशाहत भी हो सकती है जाइस अगर बादशाह खुद अल्लाह का बंदा है अल्लाह के अहकाम का पाबंद है और अल्लाह के अहकाम को नाफिज कर रहा हो, दाऊद बादशाह थे कि नहीं सुलेमान बादशाह थे कि नहीं जमहूरियत भी हो सकती है बशर्ते के जमहूर जमहूरियत तस्लीम कर ले कॉन्स्टिट्यूशन में कि हमारा इश्तियार महदूद है अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम से अब वो इस्लामी जमहूरियत हो जाएगी इस्लामी बादशाह थी दाऊद की और सुलेमान की इस्लामी जमहूत अल्लाह करे कि वाकता हकीकता किसी मुल्क में कायम हो जाए आज तक तो है नहीं लेकिन यह हो जाए तो वो इस दौर का तकाजा है लेकिन यह अगर है वो बात कि मुतलका है आवाम की तो गोया के अवाम ने खुदाई का दावा किया सरवरी जेबा फकत उस जाते में हमता को है हुक्मर है एक वही बाकी बुतान आजरी जो कोई भी हाकमियत का मुद्दई है वो आदर का तराशा हुआ एक बुत है वो फर्द हो या अवाम हो कौम हो हाँ अल्लाह को हा के मैं मुतलक मानकर उसके अहकाम के अंदर अंदर बाहमी मशवरे से एक निजाम चलाना यह होगा सही इस्लामी निजाम समझ में आई बात अब आइए दूसरी चीज मोहब्बत में तोहहीद क्या है तोहहीद फिल मोहब्बा यहां भी मोहब्बत की नफी नहीं है शोहर बीवी से मोहब्बत करे बीवी शोहर से मोहब्बत करे वालदे औलाद से करे, औलाद वालदेन से करे, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत सबसे बाल यह है तोहेद कोई एक मोहब्बत भी अल्लाह की मोहब्बत के बराबर हो गई तो शिरक और कोई मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत से ऊंची हो गई तो अब शिरक से ऊपर कोई लफ्ज हमारे पास है नहीं मैंने कहा था ना कि यह तो हमारी जबान की महदूदियत है वरना तो वो शिरक से ऊपर का कोई लफ्ज होना चाहिए ना बराबर हो गई तो शिरक है हाँ सारी मोहब्बत है अल्लाह की मोहब्बत के ताबे तो क्या है वल्लजीन मनु अशद खुबिल्ला अशद्द ईमान वो है जो अल्लाह की मोहब्बत में सबसे शदीद है ये नहीं वतन से मोहब्बत करो कोई हर्ज नहीं घर से मोहब्बत करो कोई हर्ज नहीं बेटे से करो औलाद से करो माल से करो कोई हर्ज नहीं लेकिन माल की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत के बराबर ना हो जाए या उससे ऊपर ना हो जाए औलाद की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत से ऊपर ना चली जाए वतन की मोहब्बत कौम की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत से ऊपर ना चली जाए जो मोहब्बत भी अल्लाह की मोहब्बत के बराबर हुई या ऊपर गई ये फिल मोहब्बत और मोहब्बत रूह है इबादत की तो ये क्या है फिल इबादत फार्मूला है ना अब अप्लाई कीजिए जरा आपको मालूम है कोई शय आपके लिए लेनी हराम है रिश्वत है कोई पेश कर रहा है हराम है लेकिन माल की मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर आपने ले ली महबूब तर कौन है अल्लाह या माल नहीं इस मामले में कौन है वो तो माल है ना मुश्किल है मानना मुश्किल है वो तो चाहते हैं के मौजू पर तकरीर हो तो बस वही दो तो, चार मसले जो हैं उन्हीं पर धुआंधार तकरीर होनी चाहिए हमें कोई न छेड़े बराही भी नजर पैदा मगर मुश्किल से होती है हविस छुप छुप के सीनों में बना लेती है तस्वीरें बाहर के बुत आप तोड़ देंगे ये अंदर जो बुतखाना आबाद है उसे कौन तोड़ेगा माल महबूब तर हो गया अल्लाह से तो आपका मामूद हकीकतन कौन है माल आपको क्या कहा जाना चाहिए जरपरस्त दावा क्या है खुदा परस्ती का हकीकत में है जरपरस्त और अगर दलील चाहिए तो हुजूर का फरमान ताब्दुद्दीनारे वीर दिरहम हलाक हो जाए या हलाक हो गया दिरहमो हम दिनार का बंदा कौन है दिरहमो दिनार का बंदा जिसके लिए दिरहमो हम दीनार इतने महबूब हो जाए कि वो उसके लिए अल्लाह के अहकाम को तोड़ दे तो वो किसकी बंदगी कर रहा है दौलत की नाम क्या है अब्दुल रहमान हकीकत में क्या है अब्दुल अब्दुल्दीनार नाम तो रखना आसान है मां बाप ने रख दिया ये मोहम्मद फरमा रहे हैं फरमार अब्दुद्दीनारम दिर दीनार का बंदा लफ्ज है अब अपना जायजा ले लीजिए अल्लाह ताला हमें तोफी दे कि हम अपने अंदर झांके शिर कौन कौन से है कहां, कहां है हम इस छुप छुप के सीनों में बना लेती है तस्वीर अब इसको ऊपर लाइए कि सतह पर जैसे मैंने आपको बताया किसी भी रियासत रियासत जो है कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट ये हाईएस्ट इवॉल्व फॉर्म है इंसान की इज्तमाही तसव्वुरात की जिसको मैंने कभी कहा था सोशल एवोल्यूशन तमदनी इरतका उसकी बल तरीन शक्ल क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट उसमें दो चीजें बुनियादी हैं एक हाकमियत का तसव्वुर हाकमियत किसकी है और दूसरे इसमें रहने वालों को बाहम जोड़ने वाली शय कौन सी है उन्हें एक कौम बनाने वाली शय कौन सी है एक नेशन कोई एक मुश्तरक मोहब्बत मुझत होगी तो वो जुड़ जाएंगे ठीक है किसी शय की मोहब्बत को सुप्रीम कर दो उनके दिलों में जिससे कि ये फिर बाहम एक दूसरे से पेवस्त हो जाए इसी का नाम है नेशनलिज्म वतन की मोहब्बत टेरिटोरियल नेशनलिज्म इस तौर का ये कौम की तश्कील के अंदर सबसे अहम उनसर क्या है वतन की मोहब्बत और ये वतन की मोहब्बत जब असल शय हो जाएगी आपको जोड़ने वाली तो वतन आपका क्या बन जाएगा मबूद वतनीयत जो एक सियासी कॉन्सेप्ट है उसके एतबार से इस दौर का सबसे बड़ा शिरक यह बात जरा आसानी से समझ में आने वाली नहीं वतन की जय ये क्या है जैसे आप कहते हैं अल्लाह हो अकबर वतन का तराना खड़े हो जाओ यह क्या है वतन की नमाज वतन का झंडा सलामी ये क्या है दीज आर ऑल रिचुअल्स उस महबूद के लिए मरासिम अबूदियत ये है वतन की मोहब्बत हर चीज से बाला यही तो है शेख सबसे बाला मोहब्बत किसकी होनी चाहिए लेकिन ये भी मैर्ज करूंगा फजूर की हदीस मुझे नहीं मालूम कि उसका सनद का दर्जा क्या है आमतौर पर बयान होती है हुबुल बताने मिनलीमान वतन की मोहब्बत ईमान का एक तकाजा है हदीस है या नहीं है इस बात को मैं सही समझता हूँ इंसान की फितरत का तकाजा जा रहता है उसे मोहब्बत होती है घर से मोहब्बत होती है शहर से होती है मुल्क से होती है लेकिन जहां यह मोहब्बत कौमीत की तश्कील कर रही हो वहां दर हकीकत यह हर शय से बारा तर होती है तभी तो कौमियत की तश्कील होगी यह कॉन्सेप्ट जो है यह मुशरिकाना कॉन्सेप्ट है इसको भी पहचाना लामा इकबाल ने इस दौर में मैं और है जाम और है जम और साकी ने बिना की रविश लुत्फम और तहजीब के आजर ने तरशवाए सनम और मुस्लिम ने भी तामीर किया अपना हरम और इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है जो पैरहन इसका है वो मजहब का कफन नजारा देरी न जमाने को दिखा दे ए मुस्तफी खाक में इस मुद्द को मिला और फरमान नबूवत में वतन और ही कुछ है सियासत में वतन और ही कुछ है वतन की मोहब्बत में हर्ज नहीं है वतन की मोहब्बत सुप्रीम हो जाए तो हर्ज है अल्लाह की मोहब्बत के ताबे रहे कोई हर्ज नहीं यही फर्क है सारा तोहहीद का और का औलाद की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत से बाला हो गई औलाद आपका मामूद है ताबे हुई कोई हर्ज नहीं करो मोहब्बत ये दूसरा फार्मूला है अब तीसरी चीजें बहुत मुख्तर है इबादत की एक रूह बताई हुजूर ने लुबे लुबाब कही है उसका वो क्या है दुआ अ दुआ मुखुल इबादा अ दुआल इबादा हजूर की यह दो अहदीस बहुत सादा बहुत मुख्तसर दुआ ही इबादत का जौहर है मुख कहते हैं हड्डी के अंदर जो गुदा होता है वो मुख है गुदा जो है इबादत का वो क्या है दुआ तौहीद फिर दुआ क्या है सिर्फ अल्लाह को पुकारा जाए और सिर्फ फिर दुआ जिसको भी पुकारेंगे आप मदद के लिए उसको आपने माबूद बनाया है कैसे बादशह ये मसला समझ लीजिए ला तदरू मान ला अदा अल्लाह के साथ किसी को मत मुका हजूर ने फरमाया कि जूती का तस्बा भी मांगना हो तो अल्लाह से मांगो अल्लाह ने तो दरवाजा खोला हुआ है जो चाहो बाबू किसी और से मत मांगो देखिए एक इलमी मसले और होते हैं ये जो रूहानियात का मामला है आलम अरवाह में क्या सूरत है अरवाह सिर्फ कहीं अल्लाह के पास किसी कोल्ड स्टोरेज में है या उसका इस दुनिया से भी कोई ताल्लुक है, है। फर्ज कीजिए इस वक्त कोई मौजूद हो कीजिए मैं उसका इनकार नहीं करूंगा हो सकता है कि हो हो सकता है कोई रूहानियत वाला शख्स बता भी दे कि यहां फला की रूह मौजूद है होगी भाई उसे नजर आती होगी ठीक है यह भी हो सकता है कि कोई शैतान जिन हो और वो धोखा दे रहा हो कि मैं फला की रूह हूं हो सकता है कि नहीं लेकिन ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, मुझे इससे बहस नहीं मुझे जिससे बहस है वो ये है कि मुझे पुकारने की इजाजत नहीं है हुआ करे किसी की रूह मौजूद हो हुआ करे मुझे मेरे रब की इजाजत नहीं है कि मैं उसे पुकारूं मदद मांगूंगा अल्लाह से दुआ करूंगा अल्लाह से इस करूंगा अल्लाह से तकलीफ के लिए दुहाई दूंगा अल्लाह की अब अल्लाह जिससे चाहे करवा दे किसी रूह को भेज दे किसी फरिश्ते को भेज दे। मुझे क्या है मुझे आम खाने हैं पेड़ नहीं गिनने फला रूह ने आगे काम कर दिया करे भाई मेरा काम बनना चाहिए और फरिश्ता आ गया उसने काम बना दिया खोख करे मुझे क्या है इससे मेरा काम बनना चाहिए मेरा मसला यह है कि मुझे पुकारना है सिर्फ अल्लाह Allah को इसकी भी कुदरत है किसी को ना भेजे ना किसी रू को भेजे ना मलाइका को भेजे बगैर किसी के जो चाहे कर दे अल्लाह का मर्जी है वो चाहे किसी रूह को भेज दे किसी फरिश्ते को भेज दे मुझे इससे गरज है कोई नहीं मुझे तो अपनी तकलीफ का दूर होना मतलूब है उसके लिए मैं पुकारूंगा समझ रहे देखिए मैं सामिया तरीन कर रहा हूं मसला अब्दुल्का जीलानी की रूह यहां है या नहीं हुजूर की रूह अनवर यहां है या नहीं ये तो इल्मी मसला हो गया ना ये फरिश्ते यहां है कि नहीं कोई तो अख्तलाफ है मैं पुकार सकता हूं कि भाई जरा मेरा काम करते ना ये करूंगा तो शिरक मौजूद है कि रामन कातबीन है कि नहीं मौजूद होना ना होना यह मसला इल्मी जो असल में शिर्क से मुतालिक मसला है तो ये है कि पुकारने की इजाजत नहीं देखिए हुजूर की एक हदीस है और ये एक हमारे लिए खुशखबरी है आज आठवां दिन है आपको आप अपनी नींद का की कुर्बानी दे रहे हैं आ रहे हैं सुन रहे हैं ये हदीस भी सुन लीजिए बशारत वाली हदीस है मज तमा कौमी बैतिन नहीं जमा होते कुछ लोग अल्लाह के घरों में से किसी घर में इसका मिदाक अव्वल तो मस्जिद होगी लेकिन तकरीबन तमाम मुहदसिन ने माना है कि सिर्फ मस्जिद तक महदूद नहीं है सब घर अल्लाह के ये जगह किसकी है तो, तो आब है ये चीज लेकिन मस्जिद का होगा तो वह मजदाक अव्वल हो जाएगा मजतमा कौमी बैतिन यूना किताब अल्लाह वसू नह बैन काम क्या कर रहे हो कि अल्लाह की किताब पढ़ रहे हो वो समझ रहे हो समझा रहे हो तो क्या होता है इल्ला नजलत अलहिमसना उन पर अल्लाह की तरफ से सकीनत का नजूल होता है वह गशियत हबुल रहमा रहमत खुदाबंदी उन्हें ढांप लेती है वह हफ्फत हुबलाय का फरिश्ते उनके गिर्द घेरा डाल लेते वजह फ़ीमन इंदहु और अल्लाह जिक्र करता है उनका मलाइका मुकर्रबीन की महफिल में देखो तुम कहते थे ये इंसान बड़ा घटिया है मेरे वो बंदे इस वक्त मेरे घर में जमा है सिर्फ मेरे कलाम को समझने के लिए अल्लाह फख्र करता है जिक्र करता है अल्लाह उस महफिल में फीमन इंदहु तो फरिश्ते हैं कि नहीं को पुकार नहीं सकते अगर आपने या जिब्राइल मेरा ये काम करवा दो तकलीफ मेरी रफा कर दो कहा और शिरक हुआ या मीकाइल और या इसरा इसी तरह अगर आपने किसी अलिया अल्लाह के अरबा में से किसी को पुकारा इसी तरह अगर आपने अम्बिया को पुकारा जिसको भी पुकारा वो शिरक हो जाएगा पुकारने की इजाजत नहीं है पुकारो सिर्फ अल्लाह को अल्लाह जिसके जरिए से आपका काम कराए कराए उसका इश्ते बाकी रह गए इलमी मसलेबाज लोग कुछ अगर शाह वली देहलवी ने अपने कुछ रूहानी तजर्बे लिख दिए वो तो उसको शिरक बनाए फिर रहे हैं कि तो मुश शिरक हो गया मुशरक हो गया यह हो गया भाई वो इलमी मसाइल है मिसाल के तौर पर उसमें मैं फिर अर्ज करूंगा कोई इख्तलाफ करे इतफाक करे शाह वली ने यह लिखा है कि अलिया अल्लाह की अरवाह उनके इंतकाल के बाद मलायका के तबके असफल में शामिल कर दी जाती हैं और अल्लाह जैसे अपने अहकाम की तनफीस फरिश्तों से करवाता है ऐसे ही इनको भी उस काम में लगा देता है अब यह एक इल्मी मसला है है या नहीं है मुझे क्या पता हूं? कोई खास दलील शाह साहब ने भी नहीं दी मैं भी मानता हूं जो दलीलें दी है उस पर मेरा भी दिल मुतम नहीं हुआ ठीक लेकिन यह एक इल्मी बात है अब कह भी रहे तब, तबका असफल मलायका का तबका आला नहीं असफल अल्लाह ताला की एक ब्यूरोक्रेसी है उस ब्यूरोक्रेसी के निचले दर्जे में अगर यह भी शामिल हो जाए तो मेरा क्या बिगड़ता है फरिश्ते भी हैं वो भी हो जाए, वो भी अल्लाह के आकाम की आकाफीज कर रहे हैं वो भी कर दें। असल मसला ये कि मुझे इजाजत नहीं है मैं तबका आला के फरिश्ते को नहीं पुकार सकता असल को क्या पुकारूंगा मैं जबरी को नहीं पुकार सकता सैयदुल मलाय उन्हें नहीं पुकार सकता यह है असल बात निदा ले गैर-इल्ला अल्लाह के सिवा किसी और से दुआ किसी और से इसकासा इसदा इस्तेमदाद ये इस्तेनत ये है असल में शिरक लेकिन ये इल्मी मसाइल को इल्मी मसाइल की जगह रखिए आपको अच्छी लगे माने नहीं अच्छी लगे ना माने शिरक और तोहहीद की बात और शाह वली मुशरक हो जाएंगे तो मुहिद कौन रहेगा अहमद सरहन मुशरक हो जाएंगे तो फिर मुहिद कौन रहेगा लेकिन ये कि कुछ लोग हमारे यहाँ अल्लाह उन्हें हिदायत दे पाकिस्तान में हैं ऐसे सरफिरे लोग जो इन सब को मुश्किल करार दे रहे हैं और बड़े नामालूम कितने बड़े वाहिद अपने आप को समझते होंगे जिनके नज़दीक अशरफ अली थानवी महामुशरिक, वो तो मुशरिक नहीं महा मुशरक अल्लाह तदायत मैं नाम नहीं लेता किसी का लेकिन ये जान लीजिए असल गलती क्या है कि उनमी मसाइल को यहाँ ला रहे हैं वो इलमी मसाइल है कोई माने ना माने मुझे भी मैंने आपसे कहा कि शाहबरी का मेरे दिल में इतना एहतराम है कि मेरे नजदीक दौरे साहबा के बाद उम्मत में जामयत के एतबार से सबसे चोटी पर शाहबली इमाम गजाली और इमाम तैमिया को जमा करेंगे तो शाहबरीुल्ला बनेगा ये मेरा मेरा है कि ख्याल है लेकिन मुझे उनकी इस वायब से अख्तिलाफ है मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे कन्विंस नहीं कर सके उनकी दलील जो है वो मुझे वज़नी नजर नहीं आई वो अल्लाह उस बात खत्म हो गई लेकिन माज अल्लाज अल्लाह इसको शिर करार देते दे। हैं बात आ गई तीसरी समझ में चौथी चीज इबादत के बाज़ मजाहिर या अफाल ऐसे हैं जो सिर्फ अल्लाह के लिए खास है मसल सीदा नजुल ये सिर्फ अल्लाह के लिए ये वो चीज है कि गैर उल्लाह के लिए किसी भी नीयत से किया जाएगा शिर्क हो जाएगा सजदा ताजीमी कोई कबर को कर रहा है कोई अपने पीर को कर रहा है और दरबारों में बादशाहों को होता है अभी होता है किसी नीयत से हो किसी के लिए किया जाए शिर्क है यही ताज़ीमी था जिसका रिवाज था मोल दरबार में ये कोर्निश कोर्निश आप तो कहते हैं ना उस सड़क को जो साहिल के साथ साथ चलती है वो कोर्निश बजा लाना क्या होता था दरबार में रुकू से भी नीचे यानी रुकू और सजदे के दरमियान होता है आगे जब कोर्निश में होता है इस तरह झुक कर आदाब बजा लाना ये उनके यहां रिवाज था लेकिन देखिए अल्लाह ताला का वो बंदा जिसका नाम अहमद सरहंदी है मुजद इमाम इमाम्बानी किस जुरत के साथ खड़े उन्होंने इनकार किया शिर्क हराम हो अब जो वो मौलवी थे दरबारी उन्होंने कानों में बादशाह के कान भरे बड़ा बागी है बाग़ियाना बातें कर रहा है इसकी पेशी होनी चाहिए अदालत में पेशी हो रही है अल फिसानी की रहमतुल्लाह अलैह उनके सर को जबरदस्ती झुकाने के लिए रास्ता ऐसा बनाया गया कि बादशाह के सामने पेश होने से पहले एक खिड़की में से गुजरना पड़ेगा खिड़की में से तो सर झुकाएगा कि नहीं लेकिन मुजदिल्फिसानी ऐसे गुजरे पहले टांगे निकाली फिर से निकाली यह कोई कठबुल्ला नहीं था मुजदानी गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे जिसके दफा गर्म से है गर्मी हलार वो हिंद में सरमाया मिलत का निगह मां अल्लाह ने बर वक्त किया जिसको खबरदार हाजिर हुआ मैं शेख मुजद की लहत पर वो ख़ाक के है जेर फलक बतलाए अनवार नहीं गर्दन नहीं झुकेगी सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए बंदा मोमिन की गर्दन कट सकती है झुक नहीं सकती किसी भी नीयत से किसी भी शख्स के लिए हमारे यहां वैसे बुजुर्गों से मिलते हुए जरा झुक जाना यह तो एक मामला और है जरा आदमी अपने आप को अपनी उनकी ताज़ीम के लिए लेकिन यह जान लीजिए कि झुकना बस थोड़ा सा ही होना चाहिए यह दस डिग्री से ज्यादा हुआ तो काम खराब हो जाए ये इससे ज्यादा का झुकना जो है वो किसी तौर से जायज नहीं सजदा और नजर ये सिर्फ अल्लाह के लिए ये चौथी चीज आई इबादत में अब आखिरी चीज है सबसे कठिन सबसे मुश्किल इबादत की शर्त कबूलियत क्या है अल्लाह के यहां बताए इखलास इखलास की जिद क्या है रयाकारी रयाकारी क्या है शिरक अलबत्ता इसके लिए हजूर ने लव शर के खफी इस्तेमाल किया कि ये नियत है। इसलिए कि का मामला है नजर नहीं आ रहा किसी ने गर्दन झुकाई है तो नजर आ रही है किसी ने किसी को पुकारा अल्लाह के सिवा तो सुन लिया आपने ये तो है ना वो शिर जो जली है कब्र को सजदा किया नजर आ गया बादशाह को सजदा किया नजर आ गया आपने किसी को दुआ की किसी को पुकारा सुन लिया आपने ये शिरक जो है ये है वो खफी जो नगर आता। हदीस सुनिए और इस मेयार पर अपने आप को नापिए और दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमें तिरक से बचाए मन सल्ला युराई फकत अशरक व मन सामा युराई आई फकत अशरक मन तसद्दका युराई फत अशरक जिस शख्स ने नमाज पढ़ी दिखावे के लिए उसने शिरक किया और इसमें लफ्ज खसी भी नहीं आया अभी ठीक है कद का, फेले माजी पर कद का मतलब होता है यकीनी बात शक को शुबा है ही नहीं जिसने दिखावे के लिए नमाज पढ़ी उसने शिरक किया जिसने दिखावे के लिए रौदा रखा वो शिरक कर चुका जिसने दिखावे के लिए सदका और खैरा किया उसने शिरक किया बचिए शिरक से अल्लाह बचाए इससे जरा आगे आइए हुदूर फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स नमाज पढ़ रहा हो और जब वो ये देखे कि कोई मुझे देख रहा है तो सजदा तवील कर दे तो यही शिरके खफी है यहां खफी का लफ्ज आया और मैं उसका हिसाब मैं तो अलजबरा जानता हूं ना सादा हर चीज को इस तरीके से सादा समझ में आ जाए देखिए आप नमाज पढ़ रहे थे जबकि कोई आपको नहीं देख रहा आपका सजदा था फर्ज कीजिए दस सेकंड का जब आपने देखा कि कोई देख रहा है तो आपने किया पंद्रह सेकंड का ये पांच सेकंड किसके लिए है तो एक सजदे के दो मजदूद हो गए कि नहीं एक सजदे में दो शामिल हैं अब दस सेकंड थे अल्लाह के लिए और पांच सेकंड उसको जिसे आप दिखा रहे हैं तो यही शिरक शिरक खफी है नजर नहीं आता इस पर किसी मुफ्ती का फतवा नहीं चल सकता नजर नहीं आ रहा लेकिन जान लो जैसा कि मैंने अर्ज किया था शिर सफी को यह न समझना कि शिरक नहीं है शिरक ना होता तो हुजूर कभी इसके लिए लफ्ज शिर इस्तेमाल ना करते शिरक तो है यही वो शिरक है जिसके बारे में हजूर ने फरमाया इसका पहचानना और देखना उतना मुश्किल है जितना किसी तारीख रात में किसी सयाह पत्थर पर रीगती हुई किसी च्यूटी को देखना उतना मुश्किल तो अब शर्फिल इबादत की बात समझ में आ गई शिरफिल इबादत का एक जुज क्या है शर्फिलतात ला तत अल मखलूक बातारिफ जिसकी इतात भी अल्लाह की इतात से आज़ाद होकर कर ली गई वही बाबू है मोहब्बत फिल मोहब्बत क्या है कि अल्लाह की मोहब्बत तमाम मोहब्बतों से बाला हो जिसकी मोहब्बत भी अल्लाह की मोहब्बत के बराबर हो गई या ऊपर हो गई वो शिरक है वो माबूद है वो जर हो वो वतन हो कुछ भी हो वतन परस्ती जर परस्ती सब परस्ती से शिरक है नंबर तीन दुआ सिर्फ अल्लाह से है जिससे भी पुकारेंगे शिरक हो जाएगा सज़दा नजर सिर्फ अल्लाह के लिए है जिसके लिए भी करेंगे शिरक हो जाएगा और इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए है इखलास के साथ अगर इसमें रियाकारी आ गई तो यह शिर ये, ये पांच हो गए शिरक जिनको जमा कर ले तो ये शर्क फिल हुकूक है शर्क फिल, फिल, फिल हुकूक अब एक मसला और समझ लें एक सवाल आपके जहन में पैदा होना चाहिए नहीं हुआ तो इसका मतलब है आप कुछ नीम खाबीदा है अब सोए हुए कुछ वो ये कि अगर ये सारी चीजें शिरकें तो फिर गुना किस चीज का नाम है रिश्वत ली शिरफ क्योंकि हराम शे माल महबूब है अल्लाह से शिरक हो गया एक नमाज छोड़ दी शिरक, इसलिए शिरकस का हुक्म माना अल्लाह का नहीं माना शिरक हो गया तो भाई फिर वो गुनाह कौन से जो अल्लाह ने कहा मैं बख्श दूंगा ये सवाल है कि नहीं? नहीं और इसी से एक नहायत अहम मसला हल हो जाएगा बहुत अहम मसला है जो हमारे यहां बड़ी तलखी का मुझे बना हुआ है ये सब चीजें अपनी असल के एतबार से शिरक है लेकिन इसके करने वाले को मुशरिक नहीं कहेंगे बल्कि यह चीज अगर नीयत में आ जाए शौरी तौर पर हो जाए इसको इस्तेमालत हो जाए तो शिरक बन जाएगा गैर शौरी तौर पर हो रहा बेसमझे बूझे हो रहा है इसको इस तरीके से समझाई नहीं है तो वो गुनाह है लेकिन यह कि तिल के ओट में पहाड़ है इसको जब आपको दिखाया जाएगा कि देखो भाई इसके अंदर शिरक मुजमर है शिरक छुपा हुआ है ये शर्क ही का मजर है तो वो शायद समझ में आए फिर भी आप करेंगे तो वो शिरक हो जाए गैर शूरी तौर पर गैर इरादी तौर पर ना समझे हुए अगर काम हो रहा है तो वो गुनाह होगा वरना वो शिरक हो जाए दूसरी बात यह कि जिस किसमें ऐसी कोई चीज देख ली आपने कहा मुशर मुशरक है तो मुर्त काफिक ना इसके पीछे नमाज होगी और फिर आगे बढ़ जाए तो वो तो फिर बाजिबुल कत्ल है मर्तद है वाजिबुल कत्ल है वही जो हिमाकत खबारी ने की थी हमारे यहां कुछ लोग जज्बात में आकर ऐसी ही हिमाकतें करते हैं उसका हल क्या है उसे भी समझ लें देखिए जो बच्चा अलिफ बेते पढ़ रहा है उसे भी आप कहते हैं तालिब इल्म ठीक इल्म हासिल कर रहा है अगर उसने अलिफ बेते पढ़ ली तो क्या आप उसे आलिम कहेंगे आलिम आप कहते हैं उस वक्त जब के इल्म की एक मकदार जमा हो गई हो तब आलिम कहलाएगा वैसे अली भी इल्म है कौन कहेगा वो इल्म नहीं है इल्म की मां वो है इल्म की जड़ वो है लेकिन आलिम जिसने अली बेटे पढ़ ली क्या वो आलिम हो गया नहीं इसी तरीके से शिर्क की एक खास हद खास मकदार जमा हो जाएगी तो शख्स मुश्रक कहलाएगा वरना उन इंडिविजुअल चीजों को शिर्क तो कहेंगे आप ये शिर्क है लेकिन यह नहीं कि जिसने उसका इंतका किया वो मुशरक ये है हमारे यहां के जो लोग एक दूसरे पर फतवेबाजी में बहुत जल्दी कर जाते हैं, चूंकि वो ये कर रहा है लिहाजा वो मुशरक मुशर के पीछे नमाज नहीं होगी अब वो मस्जिदें अलीहदा और एक जो है इसलाह का दरवाजा बंद इसलिए कि तफरीक हो गई मुस्तकिले नहीं आप उस चीज को कहें यह शिरक है लेकिन ये कि उसको मुशरक ना कहिए इसलिए कि इल्म है अलीफ बेत लेकिन जो अलीफ बेतः पढ़ लेगा वो आलिम नहीं कहलाएगा बल्कि यह कि किसी भी शख्स पर किसी चीज़ का इंतबाह करने के लिए उसका कोई लेवल होता है उस लेवल पर आएगी वो शेय तो फिर उसकी नस्बत की जाएगी कि फ़लाँ शख्स आलिम है फाजिल है फ़ला शख्स अमीर है दौलत है दौलत तो कहने को एक पैसा भी दौलत ही में शुमार होगा लेकिन दौलत में जिसकी जेब में एक पैसा है दौलतमंद दौलत की एक ख़ास मकदार जमा हो जाएगी किसी के पास तो दौलतमंद कह रहे ये है असल में फ़र्क कि ये चीज़ें अपनी असल के एतबार से शिरक है इसमें कोई शक नहीं लेकिन जब तक ये गैर शौरी तौर पर ना समझे हो नहीं हो तो इनको गुनाह कहेंगे शिरक नहीं कहेंगे नंबर एक नंबर दो ये कि इन चीज़ों को आप समझाएं कि भाई ये शिरक है लेकिन अगर कोई लोग नासमझी में अपने गर, मुगालते में अगर उनका इरतक कर रहे हैं उनको मुशरक कहकर और उनसे अलीहदगी और ताल्लुक तल्लक़े और ये सारा जो है रिश्ते वो ख़त्म ये मामला है जिसने हमारे यहाँ नहायत तलखी घोल दी है दीनी हल्कों के मा बहन जिससे कि इसलाह के दरवाजे बंद होते चले जाते हैं जिद्दम जिद्दा आ जाती है फिर तब और असमियत आ जाती है अगर आप इस वसीब आने में समझाएँगे कि नफ्स परस्ती भी शिरक है दौलत परस्ती भी शिरक है रयाकारी भी शर्क है और इसमें आप बताएँगे गैरुल्ला की हाकमियत शिरक है वतन की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत से बाला तर हो जाए तो वतन परस्ती शिरक है ये अगर आप बताएंगे तो साथ ही अगर आप बता देंगे कि, कि कब्र परस्ती भी शिरक है तो वो मान लेगा कि ये सिर्फ मेरे ऊपर ही फतवा नहीं लगा रहा है इसने तो खुद अपने अंदर भी झांका है और अपने आप को भी वो मानने को तैयार है कि जब तक के इंसान इस लेवल पर ना आ जाए कि उसकी इतात मुतलक सिर्फ अल्लाह के लिए तमाम इतात उससे आज़ाद हो जाए अल्लाह की तात के ताबे इताते हो कोई तात अल्लाह की तात से आज़ाद ना हो तमाम मोहब्बतों से इस बानी में आज़ाद हो जाए कि किसी शेय की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत से मर न हो अगर ये मैार सामने रखेंगे तो आदमी आपकी बात सुनेगा उसके दिल में बात उतरेगी लेकिन अगर चंद मसाइल जो बाज़ ग्रोहों के दरमियान वो निज़ा का और मुनाजरेबाजी का एक मौजू ब बन गए हैं अगर उसी के ऊपर हैमर करेंगे तो उसमें जिद पैदा होगी तासुब पैदा होगा नतीजा क्यों निकलेगा इसको सामने रखिए आखिरी एक सिर्फ आयत सुना रहा हूँ इसी मोहब्बत की वो सारा जो मैंने जिहाद और इकामत दीन इसकी बहस की है आयत नंबर चौबीस हैबा की उल ए नबी इनसे कह दीजिए इनका नाकुम व अबनाओम व अखवान अजवाजुम वशीरतुम वह अमवान तरफ तो मुंह वह तजारत उन तकशन कसादहा व मसाकिन तरदो नहा लोगो, अगर अपने बाप अपने बेटे अपने भाई अपने अपनी बीवियां, अपने रिश्तेदार अपने वो माल जो तुमने कमाए हैं मेहनत से अपने वो कारोबार जो जिनका एक साथ का तुम्हें अंदेशा रहता है अपनी वो बिल्डिंगे जो बड़े अरमानों से बनाई हैं अगर ये महबूब तर हैं अल्लाह से उसके रसूल से और अल्लाह की राह में जिहाद से फतर अब्बसू जाओ दफा हो जाओ इंतजार करो वहां बैठ कर हत्या यहाँ तक कि अल्लाह अपना फैसला सुना दे और अल्लाह ऐसे फासिकों को हिदायत नहीं देता इसको सामने रखिए और अल्लाह तौफीक मांगिए अल्लाह शिर्क की पहचान फरमाए और हमारे दिलों को हर नौ के शिर्क से पाक कर दे